विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में शिरकत करने पाकिस्तान गए थे। इस दौरान पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ के बोल और तेवर बदले बदले नजर आए। आखिर नवाज अचानक क्यों हो गए इतने शरीफ? दरअसल भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देश में बढ़ते कर्ज से परेशान, भूख से बेहाल है, आतंकवादियों को पनाह देकर दुनिया में बदनाम है। वो अपनी हर नाकामी के लिए भारत पर निशाना साधता रहता है, लेकिन अब अचानक से भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बातें कर रहा है। आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान की अब अमन और शांति से दिलचस्पी बढ़ गई है। इसके लिए वो भारत से आतंकी हमले और बीती बातों को भूलने की गुहार लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तब पाकिस्तान ने आतंकी हमले कर पुराने जख्मों को हरा किया है। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो एक साथ अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। बीते 75 सालों के इतिहास को खंगाला जाए तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भारत आज कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान किस हालत में है। ऐसे में SCO समिट के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के बाद नवाज शरीफ ने भारतीय पत्रकारों से क्या कुछ बातें की, चलिए बताते हैं आपको। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। भारत पाकिस्तान के बीच कारोबार फिर शुरू होना चाहिए, दोनों देशों के बीच क्रिकेट भी फिर से शुरू होना चाहिए। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान भारत के रिश्ते खराब हुए, लेकिन हमें अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आखिर इतने शरीफ क्यों बन रहे हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ? जरा उसकी कमजोरी नस को समझिए। दरअसल पाकिस्तानी फौज की दखलंदाजी के कारण वहाँ की सरकारें कहती कुछ है और करती कुछ और है, यानी पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। इतिहास में ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि भारत ने जब जब पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश की, उसके बीच में छुरा घोंप दिया गया। पाकिस्तान के अलग मुल्क बनने से लेकर शिमला समझौते और फिर लाहौर समझौते तक भारत को हमेशा सिर्फ धोखा और दगाबाजी ही मिली है। ऐसे सात मौके आए जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने सरेआम धोखा दे दिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अलग मुल्क बनते ही भारत को धोखा दे दिया था। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए कबायलियों को भेजा। संघीय शासित कबायली इलाका पाकिस्तान का अर्ध स्वायत्त पर्याप्त कबायली क्षेत्र था, जो 1947 से 2018 तक अस्तित्व में रहा। इसका विलय खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया गया। इस क्षेत्र में लगभग सभी लोग पठान हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने 1958 में भारत को दूसरा धोखा दिया। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए थे, लेकिन इन समझौतों को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले किए। भारत ने इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। भारत को पाकिस्तान की तरफ से चौथा धोखा 1999 में मिला। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पड़ोसी मुल्क से रिश्ते सुधारने की पहल की थी। वाजपेयी लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ को गले भी लगाया, लेकिन इससे कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में जंग छेड़ दी थी। फिर पाकिस्तान ने 2001 में भारत को पांचवा धोखा दिया। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता दिया गया था। मुशर्रफ आगरा आए, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। इससे कुछ ही महीनों बाद संसद पर आतंकी हमले हो गए थे। पाकिस्तान ने 2008 में छठा धोखा दिया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन 26 नवंबर को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था। इसके बाद 2015 में PM मोदी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की पहल की थी। काबुल से लौटते हुए PM मोदी ने फोन कर नवाज शरीफ को बर्थडे विश किया था। शरीफ तब अपनी नातिन की शादी के लिए लाहौर में थे। उन्होंने PM मोदी से लाहौर में मिलने की इच्छा जताई। मोदी भी राजी हो गए थे। काबुल से लौटते हुए मोदी अचानक लाहौर उतर गए। उन्होंने 90 मिनट तक नवाज शरीफ से मुलाकात की। इंटरनेशनल मीडिया ने PM मोदी की डिप्लोमेसी को मास्टर स्ट्रोक बताया, लेकिन इसके अगले ही साल 2016 में पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वायुसेना एयरबेस पर हमला कर दिया था। फिलहाल आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज की तारीख में एक से बढ़कर एक मुसीबतों से घिरा हुआ है।
शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता ना दिखाई दी हो। 10 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव सफल होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और कई दिनों तक पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत पर हमला कर मूर्खता दिखाएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।